आनंद पाल की मौत के बाद समूचे राजपूत समाज में आक्रोश है। समाज के तमाम दिग्गज नेता आनंद पाल के गांव सांवरात पहुंच रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आनंद पाल का आज तक दाह संस्कार भी नहीं किया गया। राजपूतों के आक्रोश की आग अब आसपास के राज्यों में भी फैलती जा रही है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड तक राजपूतों की हुंकार सुनी जा सकती है। सभी जगह वसुंधरा सरकार के खिलाफ गुस्सा देखा जा सकता है। झारखंड में राजपूतों में आक्रोश। ये तस्वीर है झारखंड की, जहां आनंद पाल के समर्थन में राजपूत इकट्ठे हुए हैं, जहां राजस्थान सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। और राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बिहार के राजपूतों ने किया प्रदर्शन। बिहार में भी कुछ ऐसा ही आलम है। आनंद पाल की मौत से राजपूत समाज के लोग गुस्साए हैं, राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग के साथ राजस्थान के राजपूतों और आनंद पाल के परिवार को समर्थन दे रहे हैं। मुरादाबाद के राजपूत आनंद पाल के परिवार के साथ, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी राजपूत एक है। जरा इन नारों को सुनिए। इन नारों में आनंद पाल के जयकारे लगाए जा रहे हैं। आनंद पाल की मौत की सीबीआई जांच के लिए समर्थन दिया जा रहा है। मुरादाबाद में राजपूत उत्थान के सदस्यों ने पूर्ण रूप से आनंद पाल को समर्थन देने की बात कही है। वहीं आनंद पाल एनकाउंटर के बाद सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है। राजस्थान के कई शहरों में जांच की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। उदयपुर में करणी सेना ने आनंद पाल एनकाउंटर मामले में प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों समर्थकों के साथ करणी सेना सड़क पर उतरी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। वहीं बीकानेर में भी करणी सेना का आंदोलन जोरों पर था। करणी सेना के सैकड़ों समर्थक यहां भी सड़कों पर उतरे और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं राजपूत करणी सेना के प्रधान संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी जहां राजपूतों से पहले ही 12 जुलाई को सांवरात पहुंचने की अपील कर चुके हैं और भारी मात्रा में राजपूतों के साथ आनंद पाल के गांव सांवरात पहुंचे हैं, तो वहीं अब आनंद पाल की माताजी ने भी राजपूतों से एक होने की अपील के साथ झूठी अफवाहों पर ध्यान न देते हुए 12 जुलाई को सांवरात पहुँचने की अपील की है। और आप नरेंद्र करूँ कि आप कोई की मान जो मतने झूठी सच्ची और 12 तारीख को आप पधार जो पधार मारो दुख दूर कर जो नहीं तो दुख दूर हुए लोग होनी और ये लोग झूठी सच्ची देवे तो आप मान जो मत मानो ला तो मैं तरसती रह जाऊंगा और दुखी रह जाऊंगा। आपके आगे हाथ जोड़ विनती करूँ। वही महिपाल सिंह मकराना ने भी राजपूतों से एकजुट होकर राजपूताना ताकत को इकट्ठा होने के लिए अपील की है। उन्होंने सभी राजपूतों से 12 जुलाई को सांवरात पहुंचने की अपील की है। हमारे दिल में जो पीड़ा है वो है सीबीआई मांग। जो दोषी अधिकारी है या दोषी कोई भी है उनको उनकी जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। उसके अलावा जितनी भी मांगे वो उनकी कोई वक्त वैल्यू नहीं है, वो मनती चली जाएगी। सीबीआई मांग अगर मान ली गई तो उसके अलावा फिर तो ये बहुत छोटी चीज है। उसकी सरकार बोल रही है कि वो सीबीआई मांग के अलावा जितनी मांगे हम मान लेंगे। अरे यार, तुम 10 दिन पहले भी यही बोलने को तैयार थे। मैं केवल युवाओं से ये बोलना चाह रहा हूँ, 12 तारीख के लिए तैयार हो जाओ। सीबीआई मांग ही हमारी मांग है, उसके अलावा कोई भी मीटिंग है होती रहेगी। यार मैं तो इसलिए गया कि चलो ठीक है, मैसेज जाए आप लोगों में कि वहाँ क्या हो रहा है। ये सीबीआई मांग आप लोगों की नहीं, उस परिवार की, उस माँ की, उस पत्नी की, उस बेटी की है। उसके दिल में जो दर्द है पिछले 13 दिनों से, वो दर्द भी हमारे सीने में जब तक हम महसूस नहीं करेंगे, इस मांग के लिए अडिग होकर हम खड़े नहीं हो पाएंगे। 12 तारीख को 12:15 बजे सांवरात पहुंचो ज्यादा से ज्यादा संख्या में।
तो चारों तरफ से राजपूत एकता के बुलंद हौसले देखे जा सकते हैं। जाहिर है ऐसे में सरकार के खिलाफ भी आक्रोश राजपूतों में उबाल मार रहा है। सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं। अब देखना है कि क्या सरकार राजपूतों के आक्रोश के सामने घुटने टेकती है या राजपूतों के आक्रोश की आंधी सरकार के सिंहासन को उखाड़ देगी। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।